2x25 kV जो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम होता है, ये DFCCIL के अंदर यूज होता है, और ये 25 kV नॉर्मल जो सिस्टम है उससे अलग होता है। इसमें कुछ हमारे फायदे होते हैं जो कि नॉर्मल 25 kV सिस्टम में नहीं मिलते, तो हम वही जानेंगे कि इसमें क्या क्या टेक्निकल चीजें हैं। एक नॉर्मल 25 kV सिस्टम के अंदर इनपुट के अंदर सिंगल फेज सप्लाई आती है जो हमारे TSS में आती है, और ये सप्लाई जनरली 220 kV या 132 kV की होती है। ये सप्लाई एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में दिया जाता है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है। इसके आउटपुट में हमें सिंगल फेज 25 kV का मिलता है वोल्टेज, जिसको हम अपने OHE में देते हैं। ये नॉर्मल 25 kV सिस्टम है। अब देखते हैं जो हमारा 2x25 kV है उसमें क्या होता है। 2x25 kV सिस्टम में जो इनपुट सप्लाई होती है वो 3 फेज की होती है। ये 3 फेज की सप्लाई जो होती है ये 220 kV या 132 kV नॉर्मली जनरली मिलती है हमको। इसमें क्या स्पेशल होता है, इसमें ये एक स्कॉट ट्रांसफार्मर स्पेशल होता है। इस ट्रांसफार्मर की क्या खूबी होती है कि ये इनपुट में 3 फेज की सप्लाई लेता है और आउटपुट में 2 फेज की सप्लाई देता है। और जहां यहाँ पर जो पहले की तरह 25 kV नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे आउटपुट में 50 kV 50 kV दिया जाता है। तो ये एक डिफरेंस है। इस इधर जो है नॉर्मल 25 kV में, यहाँ पे सिर्फ 25 kV ही आउटपुट में निकलता है, यहाँ पे 50 kV आउटपुट में लिया जाता है स्कॉट ट्रांसफार्मर से, और ये जो 2 फेज का अलग आउटपुट निकलता है। अब देखेंगे कि कनेक्शन लेआउट कैसा रहता है OHE के अंदर, मतलब ट्रांसफार्मर स्कॉट ट्रांसफार्मर से OHE में कनेक्शन कैसे होगा। तो ये मैंने एक स्कॉट ट्रांसफार्मर का डायग्राम बॉक्स बना दिया है शो करने के लिए। तो इसमें 3 फेज की सप्लाई इनपुट में आएगी। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे एक तो 50 kV की ये वाली इन दो तारों से निकलेगा 50 kV का वोल्टेज, और इन दो तारों से एक अलग 50 kV का निकलेगा। तो ये और ये दो वोल्टेजेस का इन दोनों में फेज डिफरेंस होता है। ये दोनों सेम फेज के नहीं, ये अलग अलग फेज के हैं। तो ये एक फेज वायर वन बोले अगर हम इसको, तो ये फेज वायर वन हो जाएगा, ये उसका न्यूट्रल हो जाएगा न्यूट्रल वायर वन। वैसे ही ये फेज वायर, ये मैंने गलत लिख दिया है, वन की जगह यहाँ टू आएगा, तो ये फेज वायर टू होगा और ये हो जाएगा न्यूट्रल वायर टू। तो ये दो अलग अलग सर्किट मिल गए हमको 50 kV के। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन दोनों का फेज अलग है। अब क्या होता है कि ये इस स्कॉट ट्रांसफार्मर के आगे चार, और ये अपने जो होते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर, चार ऑटो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। और इसमें खासियत यह है इस ऑटो ट्रांसफार्मर की कि इसका जो सेंटर है, सेंटर टैपिंग को सॉलिडली ग्राउंड किया जाता है, मतलब पूरा अच्छी तरीके से इसको अर्थ कर दिया जाता है। और जो एक इसका एक वायर है वो इस एंड पे दे देते हैं, और जो दूसरा न्यूट्रल वायर है वो इसको इस एंड पे दे देते हैं। तो एक ऑटो ट्रांसफार्मर ये हो गया। वैसे ही इसी सर्किट से कनेक्ट करते हैं हम एक और ऑटो ट्रांसफार्मर को इसको। तो दो ऑटो ट्रांसफार्मर हमारे एक सर्किट से कनेक्ट हो गए, वैसे ही ये दो ऑटो ट्रांसफार्मर हमारे इस दूसरे सर्किट से कनेक्ट हो गए। तो देखा जाए तो ये दो ऑटो ट्रांसफार्मर एक फेज के हो गए और ये दो एक फेज के हो गए। अब हमें क्या करना है कि इसका जो एक वायर है, इस एक एंड से जो निकलेगा ऑटो ट्रांसफार्मर का, ये हमें अपने, मान लीजिए हमारे सेक्शन में दो लाइन है, अप लाइन और डाउन लाइन। तो हमें क्या करना है, अप लाइन के कैटनरी में इस वाले वायर को दे देना है फीड, यहाँ से इसको सप्लाई मिलेगी। अब जो इसका नीचे वाला न्यूट्रल से जो ये कनेक्ट हुआ था इस टर्मिनल पे, तो इसी को आगे ले जाते हुए हमें एक अलग से फीडर वायर होगा DFC के अंदर। आपने अगर देखा हो कभी ट्रैक के ऊपर DFC के, तो वहां पे एक अलग से फीडर वायर होता है जिसके अंदर ये जो हमारा यहाँ से टर्मिनल निकलेगा उसको कनेक्ट करना है। तो अगर हम यहाँ देखें कि यहाँ 25 kV है इन दो तारों के बीच में, तो हम ये देखेंगे कि एक कैटनरी जो है अपलाइन का और जो फीडर है अपलाइन का, इन दोनों के बीच में भी 50 kV का ही डिफरेंस आता है। वैसे ही जब हमने दूसरा ऑटो ट्रांसफार्मर लिया है यहाँ पे, तो इसको हम डाउन लाइन के कैटनरी में देंगे, तो ये एक जो है यहाँ से वायर है ये एक कैटनरी में चला जाएगा, और एक वायर जो यहाँ से जा रहा है ये फीडर में चला जाएगा। तो डाउन लाइन के अंदर भी कैटनरी और फीडर के अंदर 50 kV का वोल्टेज अप्लाई होता है,
उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि सेंटर में जो है यहाँ पे हमारा सेंटर टैपिंग के द्वारा अर्थ किया गया है सारे ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स को। वैसे ही अब यहाँ पे क्या है, जैसे हमने यहाँ किया है अप और डाउन को, वैसे ही अप और डाउन को यहाँ करना है दोबारा से सेम वही चीज अगले इस दूसरे फेज वोल्टेज से। लेकिन ये इस लोकेशन इन दो ऑटो ट्रांसफॉर्मर और इन दो ऑटो ट्रांसफॉर्मर के बीच में एक न्यूट्रल सेक्शन होगा जो कि इन दोनों फेजेस को अलग करेगा। मतलब इस फेज को और इस फेज को अलग करने के लिए हमें एक न्यूट्रल सेक्शन की जरूरत होगी और वो न्यूट्रल सेक्शन इन दोनों फेज को अलग करेगा। तो एक तरफ तो ये सप्लाई दी जाएगी और एक तरफ ये सप्लाई दी जाएगी। आइए अब अगला पॉइंट पे चलते हैं। इसको बेहतर तरीके से समझाने के लिए डायग्राम देखिए, एक सेकेंड। ये डायग्राम देखिए, इसमें क्या है कि ये स्कॉट ट्रांसफॉर्मर फेज वन, ये हमारा न्यूट्रल सेक्शन है जो टीएसएस के सामने रहता है। तो इस न्यूट्रल सेक्शन के एक साइड में, अब ये अपलाइन है ये डाउनलाइन है, इसके एक साइड में स्कॉट ट्रांसफॉर्मर का एक फेज यहाँ अप्लाई हो जाएगा और स्कॉट ट्रांसफॉर्मर से जो दूसरा फेज निकलेगा वो यहाँ अप्लाई हो जाएगा। ये इस 2x25 की खासियत है। अब हम देखना चाहेंगे कि करंट का क्या फ्लो रहता है सर्किट में। मान लीजिए ये हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर है टीएसएस के अंदर, ये यहाँ पे मैंने लिखा है AT in TSS। तो ये हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर टीएसएस में हो गया और इसका जो वोल्टेज लग रहा है इसके अक्रॉस वो है 50 kV और जो सेंटर है वो 0 वोल्ट पे है, अर्थ किया हुआ है। तो ये 0 वोल्ट पे है अर्थ है, इसका मतलब जो ये कैटनरी को हमने दिया था कनेक्शन ये 25 kV का होगा और जो फीडर के अंदर जो कनेक्शन गया है ये -25 kV का होगा। अब ये हमें देखना है, मान लीजिए, हाँ, इसकी एक खासियत ये रहती है 2x25 की कि हर 15-20 किलोमीटर पे, हर 15-20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, इतने डिस्टेंस पे 80 मतलब ऑटो ट्रांसफॉर्मर कनेक्ट किए हुए रहते हैं सेक्शन में, पूरे सेक्शन में। जैसे कि ये टीएसएस में ऑटो ट्रांसफॉर्मर हो गया, 15-20 किलोमीटर दूर एक और ऑटो ट्रांसफॉर्मर लगा दिया, उससे 15-20 किलोमीटर दूर एक और ऑटो ट्रांसफॉर्मर लगा दिया। ऐसा करने से क्या होगा कि जब मान लीजिए ट्रेन इन दो ऑटो ट्रांसफॉर्मर के बीच में है, इस सेक्शन के अंदर है, तो अगर मान लेते हैं कि वो यहाँ पे आई करंट खींच रही है अपनी ओएचई से, ये हमारी ओएचई है और ये हमारा फीडर वायर है नीचे, और ये जो है मैंने ये डॉटेड करके शो किया है, ये हमारी रेल है, ये रेल से जो करंट फ्लो होगा वो रेल है। तो अगर ये आई करंट ले रही है ओएचई से, तो जब हम इस सर्किट को ध्यान से देखेंगे तो इस ऑटो ट्रांसफॉर्मर का जो ऊपरी हिस्सा है, हमें इसमें ये खास में ध्यान देना है कि जो हमने अर्थिंग करी है यहाँ पे, जो अर्थिंग की है यहाँ पे, अर्थिंग की है यहाँ पे, ये हमने इसके सेंटर टैपिंग पे करी है। मतलब जितना टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न ऊपर है उतना ही नंबर ऑफ टर्न नीचे है, ये सब चीज सब जगह अप्लाई होगा। तो जितना करंट I/4 इसमें ऊपर फ्लो होगा उतना ही करंट I/4 इसमें नीचे इस वाली वाइंडिंग में फ्लो होगा। वैसे ही इधर जब दोनों के बीच में एकदम जस्ट बीच में है ट्रेन, तो I/4 इधर भी फ्लो होगा और इधर भी फ्लो होगा, और क्योंकि ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर है तो ऊपर भी I/4 फ्लो होगा और इस वाली वाइंडिंग में भी I/4 करंट फ्लो होगा। तो जब I/4 और I/4 जब वो ऐड होगा तो ये वापस जो टीएसएस की तरफ जाएगा, लेकिन टीएसएस की तरफ जाने के लिए ये फीडर वाला जो वायर है इसके थ्रू होके जाएगा, जैसा कि हमें इस कनेक्शन से साफ दिखता है। हमें ये चीज नोट करनी है कि टीएसएस में जाने के लिए वो अर्थ के थ्रू नहीं जाएगा, रेल के थ्रू नहीं जाएगा टीएसएस में, जबकि वो जाएगा इस 25 kV फीडर से, फिर वो इस वाइंडिंग में होता हुआ जाएगा और फिर यहाँ कैटनरी में से ऊपर होता हुआ ये करंट I/2 है, क्योंकि I/4 + I/4 इज I/2, इसमें I/2 गया, इसमें I/2 गया, फिर इसमें I/2 गया। अब क्या होगा कि यहाँ पे I/2 आया था, अब यहाँ से I/4 करंट आ रहा है, तो ये I/4 और I/2 दोनों ऐड हो जाएगा तो 3 I/4 आ जाएगा, और ये करंट यहाँ से जब इसमें जाएगा तो 3 I/4 + ये वाला I/4 ये टोटल करंट I आ जाएगा। अब खास बात यह है इसमें कि जब हमारी ट्रेन आई करंट खींच रही है तो जो टीएसएस से जो दूर से हमारा करंट आ रहा है वो I/2 है। ये बहुत ही फायदेमंद चीज है हमारे सिस्टम के लिए, क्यों है वो हम ये देखते हैं। एडवांटेज ऑफ 2x25 kV सिस्टम, क्या फायदा है 2x25 kV सिस्टम का।
चीज यह है कि डिस्टेंस बिटवीन टीएसएस इंक्रीज्ड। कोई भी नॉर्मल हमारे 25 केवी का जो सिस्टम है रेलवेज में यूज होता है, इसमें दो टीएसएस के बीच में लगभग 60 किलोमीटर की दूरी हम रखते हैं। और इधर 2x25 केवी में हमें क्या फायदा मिल जाता है कि वोल्टेज ड्रॉप कम होता है, क्योंकि हमारा लाइन के अंदर ये जो करंट कम जाएगा, जब करंट कम जाएगा यहाँ से यहाँ तक करंट कम जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज ड्रॉप भी बहुत कम रहेगा। और वोल्टेज ड्रॉप कम रहेगा तो फिर हमारे जो ट्रेन तक वोल्टेज ड्रॉप है वो भी कम रहेगा। मतलब हम इससे हमें क्या फायदा हुआ कि हम ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेन चला सकते हैं, पहला फायदा। दूसरा फायदा कि हमारा जो टीएसएस है, वोल्टेज ड्रॉप जब कम हो रहा है तो हम इसको दूर दूर रख सकते हैं, यानी कि हमारा जो टोटल सेक्शन में नंबर ऑफ टीएसएस है वो भी कम हो जाएगा। तो इसके फायदा क्या हुआ, टीएसएस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टीएसएस इंक्रीज, यानी कि दो टीएसएस के बीच की दूरी बढ़ गई, या दूसरे शब्दों में कहें तो हमें पूरे सेक्शन में नंबर ऑफ टीएसएस कम लगेंगे, कम जरूरत पड़ेगी। ये सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिड्यूस्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, जब हमारे ओएचई में 25 केवी का करंट जाएगा, 25 केवी की वजह से जो हाई करंट जाएगा, तो उसकी वजह से जितना भी हमारा आसपास में कुछ टेलीकॉम नेटवर्क है तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। लेकिन 2x25 में क्या खासियत है कि 25 केवी कैटनरी के जस्ट बगल से -25 केवी का फीडर करंट होता है, ये फीडर होता है जिसमें कि रिवर्स करंट फ्लो होता है। तो एक ये आगे की तरफ, अगर बोले कि आगे की तरफ जा रहा है करंट, तो इसमें उल्टी की उल्टा जाएगा करंट रिवर्स की तरफ। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो करंट, नेट करंट 0 हो गया। तो अगर कोई टेलीकॉम नेटवर्क है जो थोड़ी 5-10 मीटर की दूरी पे है हमारे कैटनरी और फीडर से, उसके लिए उसको क्या दिखेगा, उसको ये दिखेगा कि जो नेट करंट है, ओवरऑल करंट है, वो इन दोनों का सम है, यानी कि ये +I/2 और -I/2 यानी 0 हो गया। तो उसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसके अंदर नहीं होगा। तो एक ये फायदा हो गया। दूसरा मैंने बताया लेस वोल्टेज ड्रॉप। जब वोल्टेज ड्रॉप कम होगा हमारा सर्किट में तो हमारा नंबर ऑफ ट्रेन भी बढ़ जाएगा। उसका अगला पॉइंट है लेस वोल्टेज अनबैलेंस। अब क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो स्कॉट ट्रांसफार्मर होता है, स्कॉट ट्रांसफार्मर के एक साइड में 3 फेज सप्लाई यूज होती है, जैसे कि ये वाला हमने बनाया था, स्कॉट ट्रांसफार्मर के इनपुट में डायरेक्ट 3 फेज सप्लाई हम यूज कर रहे हैं अपने टीएसएस के अंदर ही, और उसको फिर हम ये बैलेंस्ड 2 फेज सप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं। उससे हमें फायदा क्या होता है कि जो हमारा इधर 3 फेज सप्लाई में अगर हमारा कुछ चांस था आने का, अनबैलेंस आने का, तो वो खत्म हो गया, क्योंकि हमने 3 फेज बैलेंस 3 फेज सप्लाई को बैलेंस 2 फेज सप्लाई में कन्वर्ट करके यूज किया है आगे। तो जो आगे जनरेशन जहां से होता है पावर का, वहां पे भी दिक्कत नहीं आती है फिर इससे। तो ये बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। अगला पॉइंट देखेंगे तो वोल्टेज अनबैलेंस वाला हो गया है। लास्ट में है लेस नंबर ऑफ हाई वोल्टेज इक्विपमेंट्स। अगर हमने नंबर ऑफ टीएसएस कम कर दिया तो सिंपल सी चीज बात है, सिंपल सी चीज है कि हमारा जो हाई वोल्टेज इक्विपमेंट जो हमें जरूरत पड़ेगी वो भी कम हो जाएगा। तो ये सारे फायदे अगर हम मिला के देखें तो 2x25 केवी सिस्टम बहुत ही फायदेमंद है। इसीलिए डीएफसी, पूरे डीएफसी सिस्टम, पूरे डीएफसी नेटवर्क में ये सिस्टम यूज हो रहा है, और ये समझने के लिए बहुत ही जरूरी है अगर आप ओएचई में फील्ड में या एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो भी। तो यह इतना ही था, ये सब सिस्टम आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो कुछ कमेंट कर सकते हैं आप, मैं जवाब जरूर दूंगा। और आप मेरे और भी वीडियोस देख सकते हैं जो काफी फायदेमंद रहेंगे आप सभी लोगों के लिए। धन्यवाद।